हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच में डॉक्टर एन के शर्मा एन के एस लर्निंग कैंपस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज एक खुशखबरी, क्योंकि आज मैंने जो सिलेबस बताया है समीक्षा अधिकारी का, आज सिलेबस के अनुसार आप लोगों को हम सोच रहे पेपर भी करा दें। क्योंकि आधुनिक भारत, मैंने बताया, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आधुनिक भारत की अगर हम लोग स्टार्टिंग की बात करते हैं, तो यूरोपियों का आगमन से आज हम कुछ प्रश्न कराने जा रहे हैं। देखिए, आपको सेम डिटो प्रश्न मिल भी जाएंगे यहाँ से। आज जुड़िए और हम पेपर अभी कराने जा रहे हैं, ठीक है? तो देखो कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं इतिहास के। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये इतिहास के प्रश्नों पर। जैसे कि ये दिया है कि भारत में, जैसे यहाँ क्वेश्चन, जैसे प्रश्न दिया है कि भारत में प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य, यानी कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी का लक्ष्य क्या था। ये चीज शुरू में जब आए हैं अंग्रेज, इन लोगों का लक्ष्य क्या था भारत में। तो ये ऑप्शन दिया है कि व्यापार, भूभाग दिया है कि व्यापार भी करेंगे, भूभाग में रहेंगे, व्यापार या भूभाग नहीं, या फिर केवल भूभाग, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखो यहां पर एक चीज पकड़ लेना कि यहां पहले उद्देश्य इनका सिर्फ व्यापार था, भूभाग नहीं। पहले क्या था? व्यापार, भूभाग नहीं। तो इस वजह से आंसर यही सही होगा, क्योंकि बाद में जब ये यहां पर व्यापार किए, बाद में यहां बसने के बाद में सोचिए, पहले नहीं, लास्ट में ये लोग यहां बसे भी। ठीक है, व्यापार किया, बसे। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पर व्यापार और भूभाग नहीं, ये क्वेश्चन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यूरोपीय शब्दों में से किसमें भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा था। देखो, निम्नलिखित यूरोपीय किसमें भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा था। अब ये क्वेश्चन आता है अगर, तो यहाँ पर देखो युद्धों की बात चर्चा करेंगे तो स्पेनी उत्तराधिकारी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया को उत्तराधिकार हो जाएगा, है ना, या डेल्यूशन का हो जाएगा, या फ्रांस का हो जाएगा। तो याद रखना, जो युद्ध लड़ा गया है तो ये ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी का युद्ध था। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखना। जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था, यानी कि कर्नाटक के 3 युद्ध हुए, तो ये प्रथम युद्ध पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन बनता है कि किस वर्ष डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुसलीपट्टनम में अपना कारखाना खोला था। तो देखो यहां पर एक चीज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान देना। जैसे कि अब डच भारत में आए, तो इन्होंने सबसे पहले कहां पर अपना कारखाना खोला था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुसलीपट्टनम में खोला था, है ना, ये सभी को मालूम है। तो देखो, फैक्ट्री लगाने का क्रम में ये दूसरे नंबर पर थे या तीसरे नंबर पर, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखना कि तीसरे स्थान पर आने क्रम में दूसरे, फैक्ट्री लगाने में तीसरे क्रम में थे। तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने फैक्ट्री लगाई, फिर अंग्रेजों ने लगाई, फिर डच ने लगाई। तो यहाँ पर याद रखना, 1556 दिया है, 1600 दिया है, 1605 दिया है, 1610 दिया है। तो इन्होंने 1605 में, यानी कि ये फैक्ट्री खोली थी, तो ये याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है, अगला क्वेश्चन कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की संरचना हुई तो किसमें हुई। देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की संरचना हुई किसके समय हुई? हेनरी सेवन दिया था, या जेम्स प्रथम दिया है, या चार्ल्स प्रथम दिया है, या एलिजाबेथ प्रथम दिया है। तो यहां पर याद रखना कि संरचना की बात कर रहा है, तो यह एलिजाबेथ प्रथम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 16 दिसंबर 1600 में, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, और अकबर का शासन काल था। शासन काल किसका था यहाँ पर? तो याद रखना, अकबर का था। किसका था? तो अकबर के समय, यानी कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव पड़ी थी, ठीक है। अब लेकिन एक चीज और है कि फैक्ट्री किसके समय लगी थी। तो जेम्स, यानी जेम्स ने अपना प्रथम राजदूत भेजा, तो जेम्स प्रथम ने अपना जब राजदूत भेजा है, तो उस समय उसने कैप्टन हाकिंस आया था। कौन आया था? कैप्टन हाकिंस आया,
यानी हाकिंस की बात करते हैं तो ये याद रखना इसी के शासनकाल में आया था। हाकिंस आया था, और कौन आया था? सर टॉमस रो आया था। सर टॉमस रो आया था, तो ये भी आया था। ठीक, तो ये चीज तो ध्यान रखना, क्वेश्चन के अनुसार ये सही होगा। ठीक है, फिर इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम जहाज जो 24 अगस्त 1600 में पहुंचा था, कहां पर पहुंचा और उस जहाज का नाम क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन, जहाज कहाँ पहुंचा, उसका नाम क्या था, ये कई बार पूछा भी गया है कि इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम जहाज जो 24 अगस्त 1600 में पहुंचा, नाम क्या था? दिया है एडवर्ड, दिया है हेनरी, दिया है हेक्टर, दिया विलियम दिया। तो हेक्टर नामक जहाज, यानी जहाज का नाम क्या था? हेक्टर था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कि वास्को डिगामा जो है कितने बार भारत आया था? ये क्वेश्चन 3 बार समीक्षा अधिकारी में पूछा गया है। 3 बार समीक्षा अधिकारी में क्वेश्चन पूछा गया, पीसस में 2 बार आया है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना कि सभी लोग लगा देते हैं, गलत करते हैं। देखो यहाँ केवल 1 बार, केवल 2 बार, केवल 3 बार और केवल 4 बार। तो याद रखना ये 3 बार जो है ये क्वेश्चन सही होगा, 2 बार मत लगा देना, नहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 3 बार जब ऑप्शन में हो तीन, तो 3 लगा के आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके काल में हुआ था? देखो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया, अब देखो तीन अब आने के क्रम हमने बताया था कि सबसे पहले कौन आया, तो पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव किसके समय पड़ी? लुई 13वां दिया है, लुई 14वां दिया है, लुई 15वां दिया है, लुई 16वां। तो याद रखना लुई 14वां जो था, ये 14वां इसी के समय फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव पड़ी थी। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? तो सूरत में खोली थी। याद रखना कि सूरत में पहली फैक्ट्री खोली गई है, याद रखना, सब लोग गलत मत कर देना। ठीक है, और मुसलीपट्टनम में पूछी जाए तो याद रखना डचों ने खोली थी। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ खुली थी? वो भी सूरत में खुली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि पुर्तगालियों ने भारत को निम्न में से किस फसल से पहली बार परिचय हुए, यानी पुर्तगाली लोग जो थे भारत में किस फसल से पहली बार परिचित हुए थे? अब यहाँ कॉफी दिया है, मिर्च दिया है, तंबाकू दिया है, मूंगफली। जब पहली की बात करेंगे तो यहाँ पर लगाएंगे, क्या लगाएंगे? पहली बार या तमाखू सूए थे। ठीक है, लेकिन पुर्तगाली जब भारत आए सबसे ज्यादा किसका निर्यात किया, यहाँ से आयात किया था मतलब, तो ये लेके गए यहाँ से तो मसाला, मसाले में कौन चीज? तो काली मिर्च। अगला क्वेश्चन कि डच व्यापारी निम्न में से क्या भारत में खरीददार मसाले बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचा करते थे? देखो वो क्या करते थे कि खरीद कर क्या मसाले के बदले क्या बेचते थे? तो ध्यान देना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अफीम है, नील है, साल्टी पीटर है और सूती वस्त्र है। तो ये सूती वस्त्र जो है ये राइट आंसर होगा आपका। अगला देखिए, अगला कि निम्न लिखित में से किस एक शख्स में 1739 में मराठों से सालिसेट तथा बसीन को जीता था? सालिसेट और बसीन को जीता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। किसको जीता था? तो यहां दिया डच, अंग्रेज दिया, देखो ध्यान देना, डच दिया है, अंग्रेज दिया, यहाँ क्या है? तो डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों से जीता था। किसको किससे जीता था? तो पुर्तगाली आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन यूरोप की यांत्रिक घड़ी भारत में लाए थे, यानी कि यांत्रिक घड़ी जो भारत में लाए और कब लाई गई थी? तो यहाँ दिया है 17वीं शताब्दी दिया है, 16वीं दिया है, 18वीं दिया है और 15वीं दिया है। तो ये कब लाए थे? तो 16वीं शताब्दी में लाए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना। अगला क्वेश्चन, किस
कि भारत के साथ समुद्री व्यापार आरंभ करने में कौन अग्रणी थे, यानी भारत के साथ समुद्री व्यापार आरंभ में निम्न में कौन अग्रणी थे, तो डच दिया है, अंग्रेज दिया, पुर्तगाली दिया, फ्रांसीसी। तो याद रखना ये पुर्तगाली यानी कि व्यापार समुद्री यानी कि स्टार्ट करवाए थे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सही सुलमित है, तो कौन सही सुलमित है, तो पुर्तगाल एस्ट्राडो दा इंडिया दिया है, फ्रांस वेरिगदे वेस्ट इंडीज दिया है, हॉलैंड में यानी कंपनी दे इंडे ओरोपिन करके दिया है, तो इसमें कौन सही होगा, आंसर ए वाला सही होगा, यानी कि तुम्हारा ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा सही होगा। और अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए कि यहाँ सूची फर्स्ट दिया, सूची सेकंड दिया है, सुलमित कीजिए नीचे दिए सही उत्तर को, यानी यहाँ पर मिलाना हमें है कौन क्वेश्चन सही होगा। देखो पुलिकट पुर्तगाली कहाँ है, तो गोवा में है, ठीक, पहली चीज ये। और इसके बाद डच लोग, डचों ने अपनी कहाँ खोली, तो पुलिकट में खोली, ठीक है। और अंग्रेजों ने कहाँ खोली, हुगली में खोली, और फ्रेंच ने कहाँ खोली, चिंसुरा में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, जो भी मिला लेना, ये सही क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक यूरोपी किस भारतीय वस्त्र का व्यापार करते थे, जो प्रारंभिक जो थे भारतीय यूरोपी किसका, तो चाय दिया है, कॉफी दिया है, नील दिया, और मसाला, यानी शुरू में ये लोग कहाँ व्यापार करते थे, तो मसाला का, ठीक है, याद रखना। फिर पुर्तगालियों का भारत में किस मूल उद्देश्य के साथ आगमन हुआ था, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है कि व्यापार के उद्देश्य से आए, या भारत में हिंदू धर्म में अवमानना करना था, भारत की संस्कृति के साथ है ना दंपत जीवन स्थापित करना था, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य सहिष्णुता विश्वास करना था, यानी कि ये लोग जब आए हैं तो भारत में एक ही इनका उद्देश्य था कि भारत की संस्कृति के साथ अपना व्यापार स्थापित करना था, यानी कि उनमें घुल मिलकर और अपना व्यापार भी करना था, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन कि भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग निर्मित किया था, अब पुर्तगालियों की बात करते हैं कि सबसे पहले अपना दुर्ग कहाँ स्थापित किया था, तो दिया कोचीन दिया है, गोवा दिया है ना, ये दिया कलानोर दिया, तो कोचीन यानी कोचीन मीन्स केरल में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी, ठीक है, केरल के बाद गोवा में लगाई थी, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन, देखो यहां पर क्वेश्चन दिया भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कौन था, देखो यहाँ संस्थापक वास्तविक है, दो क्वेश्चन याद रखना पुर्तगालियों, एक है संस्थापक, अगर दोनों क्वेश्चन बता दे रहे हैं जिससे कभी गलत ना हो, एक संस्थापक एक वास्तविक संस्थापक। जब हम संस्थापक की बात करेंगे तो यहाँ वास्को डिगामा लगाएंगे, किसको लगाएंगे, वास्को डिगामा लगाएंगे, याद रखना वास्को डिगामा। और जब वास्तविक लगाएंगे तो अल्बुकर्क लगाएंगे, अल्बुकर्क। तो यहां पर अगर देखा जाए इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं तो यहां पर वास्तविक शब्द होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वास्तविक। तो यहां पर क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहां पर वास्तविक कर लेना, वास्तविक के अनुसार यहां जो ऑप्शन दिए हैं उसमें ये अल्बुकर्क हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, दोनों क्वेश्चन याद रखना, संस्थापक पूछा जाए वास्को डी गामा, वास्तविक पूछा जाए तो अल्बुकर्क था। अगला, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन था, यानी कि व्यापारिक इनका प्रथम केंद्र पूछा जाए तो सूरत दिया, गोवा दिया, कासिम बाजार दिया, मद्रास, तो गोवा का लगाएंगे, यानी कि इनका प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा है, तो गोवा, ठीक है, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, यानी दिया है कि भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन का सही क्रम क्या है, या व्यापारियों का आगमन का क्रम क्या है, तो हमने एक चीज तुम्हें पहले बताया था और इसको पढ़ाई भी है कि आने का एक क्रम है, आने का क्रम है,
और एक है फैक्ट्री लगाने का क्रम है। तो आने का क्रम है, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर कौन आए, डच आए, फिर कौन आए, अंग्रेज आए, फिर कौन आए, डेनिस आए, और फिर कौन आए, फ्रांसीसी आए। और फैक्ट्री लगाने के क्रम में, यानी बस इतना याद रखना कि पुर्तगाली, और पुर्तगाली के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डच, यानी डचों ने तीसरे नंबर पर, फिर क्रम वही है, ठीक है। और डच के बाद कौन आएंगे, डच के बाद डेनिस है, और डेनिस के बाद फ्रांसीसी है। तो इसमें देखो व्याकरण आगने का क्रम तो पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, यानी गलत है। पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, यह भी गलत है। डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, यह भी गलत है। पुर्तगाली और अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, ये तो फैक्ट्री का क्रम हो गया, यह भी गलत है। एक हिसाब से देखा जाए तो ये चारों क्वेश्चन गलत हैं। चारों क्वेश्चन जो मैंने बताया कि फैक्ट्री के क्रम में ये है और आने का क्रम ये है। अगर यहाँ पर आने का क्रम पूछा गया है तो यहाँ पर ये हटा के यहाँ डच करना चाहिए था और यहाँ पर अंग्रेज करना चाहिए था, ठीक है, तब तो ये सही हो जाता, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि मिस्टेक है क्वेश्चन में। अगला, ये आरंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी, मसाले में, सिल्क में, नील में, अफीम में। तो यानी मसाले में थी, किसमें थी, मसाले में थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में पुर्तगालियों के प्रति अरबों की क्या प्रतिक्रिया थी, यानी पुर्तगालियों के प्रति अरबों की क्या प्रतिक्रिया थी, उन्होंने पुर्तगालियों के भारत में आगमन का स्वागत किया, तो ये गलत है। संयुक्त रूप से अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास किया, यह भी गलत है। अरब पुर्तगालियों के विरोधी थे, अरब उदारवादी रखी थी, तो ये वाला क्वेश्चन सही है और यह भी गलत, यानी कि अरब जो थे पुर्तगालियों के विरोधी थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखना। अगला क्वेश्चन, यानी कि पुर्तगालियों ने गोवा में कब कब्जा किया था, 1500 में, 1508 में, 1510 में, 1512 में। तो यानी कि इनने गोवा पर कब्जा कब किया था, तो 1510 में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था, दमन था, मुसलीपट्टनम था, बेसिन था, या हुगली था, कौन एक इनके यानी कि अधीन में नहीं था। तो याद रखना कि बेसिन जो है ये इनके अधिकार में नहीं था। अगला क्वेश्चन, कि वास्को डिगमा कालीकट कब पहुंचा था, 1490 में, 1492 में, 1496 में, 1498 में। तो 1498 राइट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके को क्वेश्चन ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को ब्रिगेंजा की कैथरीन के विवाह में बंबई दहेज दिया गया था, किसने दिया था, डच ने दिया, पुर्तगाली ने दिया, स्पेनी ने दिया, फ्रांसीसी। तो याद रखना, और ये ब्रिगेंजा जो थी कैथरीन, ये कौन थी, तो पुर्तगाली थी, ठीक है। बीजापुर के सुल्तान ने गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपी कौन था, यानी कि गोवा को किसने छीन लिया था आदिल शाह से, यानी कि बीजापुर के राजा से छीना, किस सुल्तान से, बीजापुर का सुल्तान कौन था। तो अल्बुकर्क दिया, ऑस्टिन ने छीना है, या करंटी ने, वास्को डिगामा ने, तो अल्बुकर्क ने छीन लिया था, किसने छीना था, अल्बुकर्क ने गोवा छीना, यानी कि 1510 में छीन लिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को याद रखना कि 1510 में छीन लिया था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो ये 29, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय वासी सर्वप्रथम भारत आए थे, तो ब्रिटिश है, पुर्तगाली है, डच है, स्पेनिश, हमने बताया कि क्रम आने का और फैक्ट्री लगाने का क्रम दोनों मैंने बता दिए, तो ये हो जाएगा पुर्तगाली। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यानी कि 30वां क्वेश्चन, यानी कि पुर्तगाली भारतीय वाणिज्य अभियान के नेता का नाम बताइए, यानी द्वितीय। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये द्वितीय पूछा गया है,
दुती पूछा, प्रथम नहीं पूछा गया दुती, तो अल्वारेज दिया कैब्बाल और वास्को डिगामा दिया दिया है, लोपो सोरेस दिया है, तो ये कैब्बाल इसमें कौन हो जाएगा, ये कैब्बाल हो जाएगा, ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन, चार्ल्स दुती द्वारा बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया यानी कि क्रैप दे दिया गया था कब, 1662, 1664, 1666, 1668 में, यानी कि जो पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई दहेज में दिया था उसको उन्होंने किराए पे दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को यानी कब दिया गया, 1668 में बंबई को किराए पे दिया गया। पुर्तगालियों से सालिसेट और बेसिन मराठों से कब जीत लिया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 1695, 1713 में, 1720 में, 1739 में, तो 1739 में जीत लिया था। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय वासी ने सर्वप्रथम भारत आकर अपने देश के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे, तो यहाँ पर कौन आए थे और व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे, तो यहाँ डच दिया है, ब्रिटिश दिया है, पुर्तगाली दिया है, फ्रांसीसी, तो याद रखना पुर्तगालियों ने किया था, किसने, तो पुर्तगालियों ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि वास्को डिगामा कालीकट पहुंचने पर वहां के शासक की क्या प्रतिक्रिया थी, जब वास्को डिगामा ने अपना जल बेड़ा कालीकट के बंदरगाह पर उतारा उस समय वहां के राजा की प्रतिक्रिया कैसी थी, ये चीज, उसने उसके साथ आगमन का कोई ध्यान नहीं दिया तो ये गलत है, उसने बंदरगाह तक पहुंचने में उससे रोकने का प्रयास किया ये भी गलत है, उसने उसका मैत्रीपूर्ण स्वागत किया बिल्कुल सही है, उसने उससे यथाशीघ्र बंदरगाह छोड़कर जाने के भी गलत, जब गलत वाले हटा दीजिए और जो सही हो वही पे टिक कर दीजिए, तो ये क्वेश्चन राइट सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसी यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ स्थापित किया गया, यानी यूरोपी, यूरोपी में पुर्तगाली आए मैंने बताया था सबसे पहले, तो कहाँ अपना, तो कोचीन दिया, कालीकट दिया, मुसलीपट्टनम, गोवा, तो कोचीन में लगाया था, कहाँ, कोचीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली भारत में असफल रहे क्यों, पुर्तगाली असफल क्यों रहे, उनके पास कोई बंदरगाह नहीं था, उनकी नाविक शक्ति कमजोर थी, कोचीन शासक ने उनका प्रबल विरोध किया था, धार्मिक कट्टरता के कारण भारतीय शासक उनके शत्रु बन गए थे, गलत, इसमें आंसर होगा उनकी नाविक शक्ति कमजोर थी, तो ये क्वेश्चन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि वास्को डिगामा का स्वागत करने वाला शासक कौन था, तो ये याद रखना दौलत राय है, चौदह साहब थे, जमोरियन था, मुजफ्फर जंग, तो जमोरियन ने स्वागत किया था। अगला क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे पहला वायसराय कौन था, देखो यात्री आने का क्रम दूसरा है और वायसराय पहला कौन था, तो ये चीज पूछी गई, तो वास्को डिगामा दिया, डी अल्मीरा दिया, अल्बुकर्क दिया, एनिमुअल दिया है, तो याद रखना ये आंसर राइट हो जाएगा, ये पहला वायसराय था, याद रखना पहला वायसराय यही था वायसराय, और दूसरा कौन था, दूसरा ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये याद रखना, और यात्री पहला कौन है, तो पहला यात्री ये हो जाएगा, तो ये चीजें याद रखना गलत मत करना। अगला क्वेश्चन, वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट पहुंचा था, तो 1497, 1498, 1499, 1500, तो 1498 में, ये राइट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने किस सन में गोवा को जीत कर अपनी राजधानी बनाया था, यानी कि ये याद रखना कि गोवा कब जीत लिया और राजधानी बनाया, 1632 है, 1651 है, 1668 है और 1617 है, तो 1632, तो ये याद रखना कि 1632, तो आज क्वेश्चन हम लोग 40 क्वेश्चन तक रखते हैं, कितने क्वेश्चन, 40, तो 40 क्वेश्चन आज करवाए हैं और कल हम जो है आपको पुनः सेकेंड वीडियो में पूरा समाप्त कराएंगे, ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ, देखिए कैसे प्रश्न बने हैं
और इनको सॉल्व करते रहिए, ठीक है। कल पुनः आप लोगों के बीच में पूरा ये सिलेबस जितना है इसके सारे प्रश्न आए हुए विगत वर्ष में जो भी आए हैं सभी को पूरा कराया जाएगा, और फिर इसके बाद हम लोग नया चैप्टर लेकर फिर आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल पुनः आपसे।